वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2020 रिजल्ट के बारे में। तो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा जो नीट 2020 का रिजल्ट है वो आज के दिन 16 अक्टूबर 2020 को अनाउंस होने वाला है। पिछली बार की तरह यह नहीं होगा कि जो नीट का रिजल्ट है वो 12 अक्टूबर 2020 को अनाउंस होने वाला था, लेकिन उसकी जो डेट थी पोस्टपोन होकर 16 अक्टूबर 2020 को कर दी गई थी। अकॉर्डिंग टू इंटरनल सोर्स जहाँ से भी जितनी भी खबर आ रही है, चाहे मीडिया हो, सब जगह यही बताया जा रहा है कि जो नीट का 2020 का रिजल्ट है वो आज के दिन अपलोड कर दिया जाएगा। और ये देख सकते हो, ये खबर है NDTV की तरफ से है, उसमें जो लिख रहा गया है कि ओवर 14 लाख स्टूडेंट टू गेट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, यानी 14 लाख से अधिक स्टूडेंटों को जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है वो आज प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है 6:14 की है, आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं 6:14 की ये खबर है। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है NTNEET.NICN, उस पर जाकर अपना रिजल्ट को चेक कर लेना है। और जो ये रिजल्ट की जो टाइमिंग होगी वो 11 से 12 हो सकती है, 11 से 12 बजे आ जाए नीट का रिजल्ट, लेकिन अभी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जो JEE एडवांस का जब जो रिजल्ट था उसकी टाइमिंग थी 2 बजे की थी, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसकी टाइम जो डिक्लेयर हुआ कितने बजे, 12 बजे हो गया। तो अभी कोई टाइमिंग इसकी ऑफिशियल तौर पर फिक्स नहीं है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो अब रिजल्ट आने के बाद सभी स्टूडेंटों को क्या करना है, अब काउंसलिंग पर ध्यान देना है। जो NTA द्वारा जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी वो भी आ चुकी है कि रिजल्ट होने के बाद स्टूडेंट को क्या क्या करना है, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके पिछली वीडियो को देख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो में। तो मैं आपको अवगत करा दूँ कि हमारा जो सेकंड चैनल है मिशन MBBS के नाम से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, उसे जाके सब्सक्राइब करना है, क्योंकि उसमें हम उन स्टूडेंटों के बारे में बात करेंगे जिनके मार्क्स जो नीट 2020 में लोवेस्ट मार्क्स आ रहे हैं या पासिंग मार्क्स आ रहे हैं या एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, और जो अच्छे जिन स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आएंगे उनके बारे में भी उसमें बात करेंगे, और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन से कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सकता है, कौन से कॉलेज में नहीं मिल सकता, चाहे वो लोअर मार्क्स हो या पासिंग मार्क्स को या एवरेज मार्क वाले हों। तो उन सभी स्टूडेंट क्या कर उन सभी स्टूडेंटों के लिए कौन कौन से MBBS कॉलेज के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वो आगे जो MBBS करना चाहता है मेडिकल कॉलेज में तो उनके लिए क्या क्या है, उन सभी की जो जानकारी है मैं उन पर दूंगा, और साथ साथ में उसमें जो काउंसलिंग से संबंधित है, जो नीट की काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में भी उस चैनल पर बताऊँगा। तो आप जाके आप सभी जगह क्या करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और उस पर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो ये थी आज की वीडियो, यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। जय हिंद दोस्तों।